हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में, कल हमने पढ़ा था उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग की रचना कैसे होती है, उपसर्ग से शब्दों का कैसे निर्माण होता है, उपसर्ग के भेद क्या होते हैं, कितने तरह के उपसर्ग होते हैं, इन सभी के बारे में डिटेल चर्चा हमने कर ली है। नोट्स भी आपको मिल गई थी। तो सारे लोग, आज हम उससे आगे बढ़ते हैं, उपसर्ग जैसे शब्दों के आगे लगकर शब्दों का निर्माण करते हैं। आज हमें यह बात करनी है कि शब्दों के पीछे लगकर वह वाक्यांश कौन से होते हैं जो शब्दों के पीछे लगते हैं और शब्दों नए शब्दों की रचना होती है। ठीक है, तो यह यौगिक शब्दों का तीसरा हम पढ़ रहे हैं प्रकार, जिनमें जैसे यौगिक शब्दों की रचना पहले समास के द्वारा होती, दूसरी उपसर्ग के द्वारा, तीसरी प्रत्यय के द्वारा। तो हमने उपसर्ग और समास दोनों विधियों को पढ़ लिया है। आज तीसरी चीज यानी प्रत्यय से कैसे आपके नए जो है शब्द बनते हैं, यौगिक शब्द बनते हैं, उनके बारे में विधिवत परिचर्चा हमें करनी है। और ये सारे जो आपके कोर्सेज हैं, ये सब 10 प्लस कोर्स के अंतर्गत टीम के द्वारा चलाए जा रहे हैं। ठीक है, सारे लोग वीडियो सभी सब कुछ आपको फ्री उपलब्ध कराए जा रहे हैं टीम के तौर पर। ठीक है, टीम के द्वारा, और पीडीएफ और क्विजेस जो कुछ है, इन सभी के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। ठीक है, तो वो सब्सक्रिप्शन क्या है, अगर आपको नोट्स चाहिए भैया अच्छे से, ठीक है, कि एक क्वालिटेटिव नोट्स चाहिए हमें, तो 3 महीने के लिए आपको 499 रुपए खर्च कर देना है, यानी 150 रुपीज मंथली के तौर पर। ठीक है, तो 150 रुपए ज्यादा भी नहीं है महीने में। आप उस चीज को कहीं लगाएंगे तो अच्छा कंटेंट पाएंगे, अच्छी चीजें मिलेंगी, अच्छी जानकारियां होंगी, कुछ अच्छा पढ़ोगे तभी तो अच्छा अच्छा रहेगा। ठीक है, इस वजह से सारे लोग, ठीक है, 150 रुपए खर्च करने में मुझे नहीं लगता है कि आपको इतनी तकलीफ होगी। आगे बढ़ते हैं भैया, क्वेश्चन शुरू करते हैं, मतलब क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन इसमें तो नहीं है, चूंकि अब एमसीक्यू होता है तो दिमाग में मेरे एमसीक्यू चलता है, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं भैया और पढ़ते हैं क्या प्रत्यय क्या होते हैं। प्रत्यय के बारे में सारी जानकारियां यहां दूंगा, कितने विभेद होते हैं, क्या कुछ होता है, आज तक जितनी गलतियां करके आए वो सब कुछ यहां के बाद आपकी समाप्त होंगी। यानी इसमें आपको कुछ ऐसा नहीं सोचना होगा कि सर जी अच्छा ये वाला प्रत्यय क्या होता है। देखो, प्रत्यय से यूपी SSC अब जो पूछ रहा है ना, पहले तो नॉर्मली पूछ लेता था कि रसोईया शब्द में कौन सा प्रत्यय, इसमें कौन सा, आप ढूंढ के पूछता है। जब से TCS को यह पेपर गया है तब से वो ऐसे ऐसे वर्ड चुनना है जहां आप गलतियां करोगे, ऐसे वर्ड को ढूंढ के दिया जाता है। तो थोड़ा सा अपने आपको स्मार्ट बनाइए भैया। ठीक है, जो है जो पिछले पेपर्स रहे उनका अध्ययन करिए और उनके आधार पर अपनी तैयारी को दिशा और दशा दीजिए, वही सबसे बेहतर तरीका होता है। बहरहाल मैं आपको गाइड के तौर पर सारी चीजें बता सकता हूं। ठीक है, मैं स्वयं प्रश्न पत्र देखता हूं, उसके अनुसार आपको सारी चीजें बताता हूं। आपको फॉलो करना चाहिए मेरी बातों को। ठीक है, नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हैं, प्रश्न पत्रों को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए भैया आज हम शुरुआत करते हैं प्रत्यय को। प्रत्यय होते क्या है, परिभाषा जब भी इनकी आएगी तो मैंने बताया था कि प्रत्यय हमेशा ऐसे वाक्यांश जो शब्दों के पीछे लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं, यानी शब्दों के पीछे लगकर अगर नए शब्दों की रचना हो रही तो उन वाक्यांशों को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, उन वाक्यांशों को प्रत्यय बोलते हैं। उपसर्ग में मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है तो जो वाक आपका शब्द बनता है, नया शब्द बनता है, उस नए शब्द का भावार्थ परिवर्तित हो जाता है, जबकि उपसर्ग में ऐसी कोई बात नहीं होती है। यहां पर किसी भी शब्द, अगर कोई भी शब्द में, ठीक है, मूल शब्द में आपका कोई वाक्यांश जुड़ा यानी प्रत्यय जुड़ा, तो वहां पर कोई भी परिवर्तन नहीं देखने को आपको मिलेगा। कि जैसे उपसर्ग में होता था, अधिकतर यह हो जाता था, विलोम उसका हो जाता था। ठीक है, यहां पर कुछ भी ऐसा चीजें आपकी नहीं बनने वाली है कि यहां अगर प्रत्यय जुड़ा गया तो उस प्रत्यय से, ठीक है, जो शब्द की रचना हुई, इस शब्द का आशय बदल जाए। तो एक एक चीजें डिटेल से हम जो है पूरी चीजें शुरुआत कर रहे हैं, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, पूछ रहा है, मैं पीडीएफ लगा के सारी चीजें आपको बताता हूं ताकि कम समय में बहुत ज्यादा आपको बता सकूं, और जिस भाषा में मैं पढ़ाता हूं, जो मेरी लैंग्वेज है, वही मेरे नोट्स में होती है। ठीक है, उसी अनुसार से सब कुछ टाइप है, तो आपको बहुत अच्छे से सुनना है, बहुत ध्यान से देखना है लेक्चर को। उसके बाद जब आप नोट्स पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि मैं दोबारा, ठीक है, लेक्चर पढ़ रहा हूं, दोबारा लेक्चर को आप सुन रहे हैं। इस वजह से इसके फायदे ज्यादा होते हैं,
एक बार में हर किसी का दिमाग इतना परफेक्ट नहीं होता कि पहली बार किसी भी लेक्चर को किसी भी टीचर के द्वारा दिया जाए और वो 100% जो है पूरी चीजों को ग्रहण कर ले। इसलिए रिवीजन की हमें जरूरत होती है, दोहराव की जरूरत पड़ती है, और वो उस दोहराव के लिए मैंने आपके लिए चीजें बहुत आसान कर दी है। आप पहले मेरा लेक्चर देखिए, उसके बाद आप नोट्स पढ़िए, दोनों में आपको लगेगा कि हाँ आप मुझे प्रत्यक्ष तौर पर देख रहे हैं। तो भैया प्रत्यय की परिभाषा हमने आपको बताई, ठीक है, प्रत्यय की परिभाषा को हमने देखा है कि प्रत्यय होता क्या है, ठीक है, सारी चीजों को यहां पर हम लोगों ने देख लिया है। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं प्रत्यय की परिभाषा के अलावा, चलिए, ऐसे शब्द जिसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, यानी इनका जब हम अगर प्रत्यय आपके खंडशा लिखे हैं, अलग अलग लिखे हैं, वहां पर इनका कोई अस्तित्व नहीं होगा, इनका अर्थ नहीं होगा, लेकिन वह दूसरे शब्दों में लगकर उनका अर्थ बदल देते हैं, वह प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। कभी कभी प्रत्यय लगाने से अर्थ में कोई बदलाव नहीं होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। उदाहरण देख लो, जैसे भूल एक मूल शब्द है, इसमें अक्कड़ शब्द जुड़ गया तो भूल और अक्कड़, ठीक है, अक्कड़ आपका क्या है, यह प्रत्यय है। अगर अक्कड़ को आप और अच्छे से डिफाइन करोगे, मतलब अगर जो है ये अलग स्वतंत्र रूप से लिखा है तो इसका कोई अर्थ नहीं। भूल का मतलब होता है कोई चीज आप दिमाग से भूल गए, ठीक है, वो भूल है। अब यहां शब्द बन गया भुलक्कड़, अब भुलक्कड़ का अर्थ क्या हो जाता है, भुलक्कड़ का अर्थ हो जाता है कि किसी चीज को भूलने वाला, किसी चीज को भूलने वाला, वो भुलक्कड़ हो गया। यहां व्यक्ति की बात हो गई, यहां पर दूसरा भाव था भूल, मतलब कोई चीजें हम छोड़ देते हैं दिमाग से, तो भुलक्कड़ और भूल में यह फर्क है, अक्कड़ का यहां पर कोई सामान्य अर्थ नहीं था, समझ गए। आगे बढ़ते हैं भैया, प्रत्यय के भेद को अब हम लोग समझते हैं, यहीं से सवाल आता है, ठीक है, सवाल यहीं से आता है। यूपी ट्रिपल एससी अब आपको क्या करता है, यह नहीं पूछेगा निम्न में से तद्धित प्रत्यय क्या है, अब आपको परिभाषा देता है, परिभाषा में पूछता है, ठीक है, लिख देगा वह शब्दांश जो ऐसे ऐसे जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं, अब उसमें चार विकल्प देगा, यानी आपका जो आधार है यह बहुत अच्छे से आपको हर एक चीजें मालूम होनी चाहिए कि हिंदी व्याकरण में प्रत्यय का आधार है क्या, भेद क्या है, भेदों के विभेद क्या है, इन चीजों को बहुत अच्छे से समझे। इसीलिए मैंने पूरी चीजों को आपको बहुत आसान भाषा में यहां पर लिख रखी है, ठीक है, उसी भाषा के अनुसार आपको सारी चीजें समझा रहा हूं, आपको बस खुले दिमाग से, खुले मस्तिष्क से मेरी बातों को सुनते रहना है। देखिए प्रत्यय के जब हम भेद के बारे में बात करेंगे, इसके दो भेद बनते हैं, भेदों के विभेद भी बनते हैं, उन पर आगे पर चर्चा होगी। पहला जो बनता है, ठीक है, यह प्रत्यय का प्रकार होता है कृत प्रत्यय, ठीक है, पहला क्या होता है कृत प्रत्यय, दूसरा क्या होता है तद्धित प्रत्यय। इन्हीं में कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर ये कृत प्रत्यय क्या है, तद्धित प्रत्यय क्या है, इन्हीं की परिभाषा को एक एक देखते हैं, उदाहरणों को देखते हैं, इनके विभेद को देखते हैं, और सारी चीजों को अपने जो है बहुत अच्छे से क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दे भैया, जब हम बात करेंगे आपसे किससे, कृत प्रत्यय की, यानी कृत प्रत्यय है क्या, एक चीज हमेशा दिमाग में बनाए रखिएगा, ऐसे प्रत्यय जो क्रिया धातु के बाद लगते हैं, यानी ऐसा शब्द होना चाहिए जिससे किसी करने या होने की संभावना मिले, मतलब पाया जाए, ऐसा अर्थ दे, उन शब्दों में जो प्रत्यय लगेंगे भैया वो क्या करेंगे, एक नए शब्द का निर्माण करेंगे, और वह नया शब्द जो होगा वह आपका क्या कहलाएगा, वह कृत प्रत्यय कहलाएगा। यानी कृत प्रत्यय का अर्थ, कृत का मतलब होता है करना, यानी जो क्रिया में लगे, मूल शब्द अगर क्रिया धातु है, ठीक है, क्रिया धातु में अगर लग गया कोई प्रत्यय, मूल शब्द में जुड़ा लेकिन मूल शब्द आपका क्रिया धातु रहा, तो वह प्रत्यय आपका क्या होगा, वह प्रत्यय आपका कृत प्रत्यय होगा। उदाहरण देखो, जैसे दिया है तैर, अब तैर आपका क्या है, एक क्रिया है, तैर में एक आपका प्रत्यय आके जुड़ गया जिसका नाम है आप, ठीक है, अब आग प्रत्यय का स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं है, लेकिन ये तैर क्रिया धातु में आके जुड़ा, तो तैर और आग का जब मिलन होगा तो इससे तैराक शब्द बनेगा, तैराक मतलब किसी व्यक्ति की विशेषता हो गई, तैराक का अर्थ क्या हो गया, किसी व्यक्ति की विशेषता हो गई, यानी जो पानी में तैरना जानता, हमने बोल दिया ये तैराक है तो समझ गए, ठीक है। अब आपको किसी ने बोला पानी में तैर, ठीक है, आपको वो निर्देश दे रहा पानी में तैरो, ठीक है, लेकिन बोला गया तैराक, तो आप समझ जाओगे कि अच्छा ये तो एक्सपर्ट है, ये इस कार्य को करने में बहुत अच्छा है। तो ये चीजें होती हैं यहां पर, ऐसे उदाहरणों के तौर पर आपको मुख्य रूप से दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं, जैसे भैया यहां पर शब्दों के अर्थ बदल रहे,
और वहीं पर कहीं कहीं ऐसा भी मिलता है शब्दों के अर्थ नहीं बदलते। एक उदाहरण और देखिए, जैसे लिखा है भाग, भाग आपका क्या है, यह क्रिया धातु है। भाग में क्या जोड़ दिया, मैंने एक शब्द जोड़ा ओड़ा, ठीक है। अब इन दोनों का जब मिलन होगा तो मिलन के तत्पश्चात नए शब्द का निर्माण होता है, नया शब्द आपका होता है भगोड़ा। अब जब भगोड़ा नया शब्द बना तो भगोड़ा नया शब्द क्या है, एक ऐसे व्यक्ति को इंगित करता है जो किसी से, समाज से, किसी कार्य से भागता फिर रहा, उसको भगोड़ा। यानी दोनों में क्या हो गया, भिन्नता स्पष्ट रूप से आ गई। समझ गए, आगे बढ़ लेते हैं अगले प्रकार की ओर। दोनों उदाहरणों में आपने देखा दोनों जगह पर कुछ ना कुछ चीजें आपको स्पष्ट रूप से संदेश दी। अब भैया हम पढ़ते हैं क्या कि ये जो कृत प्रत्यय हैं जिनमें हमें ऐसी चीजें मिली कि क्रिया धातु के साथ जो लगे प्रत्यय वह कृत प्रत्यय, तो कृत प्रत्यय के विभेद की ओर बढ़ते हैं। समझ गए, अब हम पढ़ते हैं कृत प्रत्यय के भेद कितने होते हैं, इनमें क्या क्या जो है वर्गीकरण किया गया है, अच्छे से समझो। इसमें मुख्य रूप से भैया पांच भेद इसके आते हैं जिनको आपको पढ़ना होता है, ठीक है। पहला है कर्तृवाचक, दूसरा है कर्मवाचक, तीसरा है करणवाचक, चौथा है भाववाचक, पांचवा है क्रियावाचक, ठीक है। अब यहां कर्ता लिख देता लेकिन यहां लिखता है कर्तरी, ठीक है। कर्तरीवाचक, दूसरा है कर्मवाचक, तीसरा क्या है करणवाचक, मतलब जो चीजें आप पढ़ के आए हो है वही लेकिन यहां रूप में परिवर्तन है। बस एक बार परिभाषा को आप देखोगे, एक उदाहरण को देखोगे, उसके बाद ये पांच शब्द जो आपको आज तक कंफ्यूज किए रहते हैं इनसे सारी चीजें, आपकी सारी जिज्ञासाएं यही समाप्त होने वाली है। एक बार सिर्फ आपको परिभाषा समझना है, उनके उदाहरण समझना है कि आखिर कर्तरीवाचक जिन किन को बोलते हैं कृदंत, ठीक है। तो कृत को अब यहां कृदंत बोलने लगते हैं प्रत्यय। देखिए भैया, जो पहला आपका है जिसको हम कर्तरीवाचक बोलते हैं कृदंत प्रत्यय, इसमें ध्यान दें कि जहां पर भी ऐसा शब्द आपको मिले जो प्रत्यय से बना हो लेकिन उसमें कर्ता का पता चले, करने वाले का अगर हमें पता चल रहा है, कर्ता मतलब करने वाला, करने वाले का अगर पता चल रहा तो ऐसे प्रत्यय को हम कृतवाचक क्या बोलते हैं, कृदंत बोलते हैं। जैसे उदाहरण मैं आपके सामने जो है रख रहा हूं, अक एक आपका क्या है प्रत्यय है, अक आपका प्रत्यय है, ठीक है। अब अक प्रत्यय से कौन कौन से शब्द बनते हैं, जैसे लेखक, नायक, गायक, पाठक। अब ये सब जो बन रहे ये क्या है, अक प्रत्यय से बनने वाले आपके नए शब्द हैं और इनसे हमें क्या पता चल रहा है, कोई करता है इनसे। जो जैसे लेखक का मतलब लिखने का कार्य करने वाला, नायक का मतलब क्या हो गया, कोई परफॉर्मेंस देने वाला हीरो, गायक का मतलब क्या हो गया, गाना गाने वाला, पाठक का मतलब पाठ करने वाला, ठीक है, किसी चीज के बारे में बताने वाला, कोई पाठ है, लेसन है, उसको पढ़ाने वाला, वो हो गया आपका पाठक। तो अक प्रत्यय से किन शब्दों का निर्माण हुआ, ऐसे शब्दों का की रचना हुई जिनसे हमें किसी कार्य के किए जाने का पता चला। तो हमेशा दिमाग में बनाए रखिएगा, ऐसे शब्दों जब भी आपको मिले तो वह पहला भेद के अनुरूप होगा, पहला भेद है आपका कर्तरवाचक कृदंत प्रत्यय। समझ गए, अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा जैसे एक अक्कड़ आपका होता है, अक्कड़ भी आपका क्या है, एक प्रत्यय है, ठीक है। अब इसमें समझिए, अक्कड़ है तो इससे बना शब्द भोलक्कड़, घुमक्कड़, पियक्कड़, ठीक है। आक प्रत्यय होता है तैराक, लड़ाक। अब इसमें जो जो चीजें बन गई वो करता है, पियक्कड़ भी क्या है, पीने वाला तो है, समझ गए ना, मतलब कर्ता के बारे में हमें अगर शब्द जो है नए इंगित करें तो वो सारे आपके जो प्रत्यय होंगे वह आपके कर्तरीवाचक कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत आएंगे। समझ गए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ लेते हैं भैया। अगला जो इसमें चीजें आती हैं, जितने भी शब्दों को मैंने लिख रखा है ये सभी शब्द आपके आए हुए हैं किन्हीं ना किसी परीक्षाओं में, ठीक है। जितने उदाहरण हैं ये सभी उदाहरण आपके किन्हीं ना किन्हीं परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें इसके बाद दूसरे विभेद की ओर बढ़ते हैं, सारी चीजें जो प्रत्यय के भेद होते हैं उनको लिख रखा है मैंने, मतलब किससे क्या शब्द बनेगा। दूसरा प्रत्यय आप समझिए अच्छे से, दूसरा होता है कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय। भैया कर्मवाचक, पहले वाले में क्या पता चला कि हमें ऐसे शब्दों की रचना करनी है जो शब्द यह बताएं कि हम क्या हैं, हम करने वाले हैं, हम करने वाले हैं, ऐसे शब्द पता चले तो उनको हमने बोल दिया कर्तरीवाचक। दूसरा कह रहा है कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय, इनकी परिभाषा को समझो, बहुत आसान सी चीज है, अभी तक हुआ इसलिए बना रहता है दिमाग में कि हम इसको सही से पढ़ते नहीं है,
चीजें आसान सी है, हिंदी व्याकरण इतना कठिन नहीं है, लेकिन आपको एक बार अपने मना जो है स्थिति से इसको समझना होगा। जैसे जिन शब्दों में प्रत्यय लगने के बाद वह शब्द कर्म का बोध कराए, पहले वाला कर्ता का बोध कराया, यह कर्म का बोध कराया, तो वहां समझ जाना है कि वह कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय का उदाहरण है, भेद है। जैसे मैंने एक प्रत्यय आपके सामने उठाया और यह प्रत्यय क्या है, प्रत्यय है आपका औना, औना एक प्रत्यय है। अब हमें यह पता चलना चाहिए, कर्म का पता चलना चाहिए, यह जिसके साथ जुड़ के नए शब्द का निर्माण करें। जैसे बिछौना कर्म हो गया, ठीक है, खिलौना इससे भी वही चीजें मिल गई, ठीक है। तो ये चीजें क्या है, जो उदाहरण ऊपर इसमें दोनों बताए गए हो ना, यहां पर पहले से जो मुख्य शब्द थे उसमें किसी वो मुख्य शब्द, ठीक है, किसी क्रिया का भेद करा रहे थे, जैसे खेलना बिछाना आदि। खेलना बिछाना क्या है, क्रिया है, लेकिन जब उन शब्दों में हमने क्या किया, प्रत्यय जो लगा दिया, जैसे होना मैंने उसी भाषा में लिख दिया है जिस भाषा में मैं बोलता हूं, ठीक है, लेकिन उसी प्रत्यय में जब हमने औना प्रत्यय लगाया तो प्रत्यय की वजह से वह शब्द परिवर्तित हो गए, और परिवर्तित होने की वजह से क्या हुआ, इनका अर्थ भी भिन्न हो गया। अब यह शब्द कर्म का बोध कराने लगे, क्रिया का बोध नहीं कराते, अतः यह उदाहरण कर्मवाचक कृदंत के अंतर्गत आएगा, समझ गए। दूसरा जैसे है आपका ना, जो आपका प्रत्यय है, अब इसमें सूंघना पढ़ना खाना, वैसे तो देखो ये सब क्रियाएं हैं, जैसे लिखा है सूंघ, अब सूंघ एक क्रिया है, ठीक है, दूसरा लिखा है आपका पढ़, ठीक है, खा, ये सब क्रिया है, लेकिन इसमें ना प्रत्यय जोड़ दो तो यहां कर्मवाचक आपका कर्म पता चलने लगता है। सूंघना क्या है, कर्म हो गया, पढ़ना कर्म कर रहे हो, खाना कर्म कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीजें क्या हो गई, यहां कर्म के बारे में जहां हमें पता चलने लगे वहां आप दिमाग में रख लो कि ये कर्मवाचक कृदंत क्या है, प्रत्यय है। आगे बढ़े तीसरे प्रकार पर, समझ गए ना, इसमें दोनों चीजें। तीसरा आपका होता है भैया कर्णवाचक, कर्णवाचक कृदंत प्रत्यय क्या होता है इसको समझ लो। पहले दूसरे में, पहले वाले में कर्ता वाले शब्द मिल गए करने वाले, दूसरे में कर्म मिल गया, तीसरे में कर्ण, यानी वह प्रत्यय शब्द के साथ लगने वाले आपके मतलब वाक्यांश, वह वाक्यांश जो किसी शब्द के साथ लगते या ऐसे प्रत्यय जो किसी शब्द के साथ लगते और उन शब्दों से क्रिया के साधन अर्थात करण है। याद है ना, राम ने रावण को बाण से मारा, क्रिया का साधन होता, ठीक है, क्रिया के साधन का अगर हमें बोध हो गया तो ऐसे प्रत्यय आपके कर्णवाचक कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण देख लो, अभी समझ जाओगे, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण यहां पर मैंने लिखे हैं, जिस अनुसार आता है, जिस अनुसार आप समझते हो उसी अनुसार पूरी चीजें लिखिए। जैसे मैंने एक प्रत्यय यहां पर लिया आ, ठीक है, आ जो प्रत्यय है, अब इसमें जैसे भटक कोई शब्द है, भटक, भटक मतलब क्या है, घूम गया घूम रहा, ठीक है, अब इसमें भटक में मैंने जोड़ दिया आ प्रत्यय तो हो गया भटका, ठीक है, भूला झूला, अब ये सब क्या हो गए, ये क्रिया के साधन हो गए, जो क्रिया हो रही है, मैं जंगल में भटका, मैं जंगल में भटका, क्रिया का साधन हो गया, क्रिया नहीं, क्रिया का साधन यहां बन गया, ठीक है, भटका हुआ घूम रहा था इधर उधर, ठीक है, या भूला, भूला भी क्रिया का साधन हो गया। तो यहां पर जो शब्द आपके बन रहे ये सब क्रिया के साधन के तौर पर आ रहे, तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर ये किसको दिखा रहे, ये आपको दिखा रहे कर्णवाचक कृदंत प्रत्यय के उदाहरणों को। आगे बढ़ लेते भैया, अगला पढ़ लेते, अगला चौथा जो आपका लिखा है या भाववाचक कृदंत प्रत्यय होता है, चौथा जो लिखा है या भाववाचक कृदंत प्रत्यय होता है। अब भाववाचक कृदंत प्रत्यय के मतलब क्या हुआ, यहां पर हमें भाव पता चलना चाहिए। जैसे पहले से हमें ऐसे शब्दों की रचना पता चली जिनसे क्या होता है, कर्ता शब्द जो है बनते हैं, दूसरे में कर्म, तीसरे में करण यानी क्रिया के साधन हो गए, चौथा भाववाचक कृदंत प्रत्यय क्या होता है इसको समझ लो भैया। देखो ऐसे प्रत्यय जो शब्दों में जुड़ने के बाद उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा में बदल देते वह भाववाचक कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है, क्या कहलाएंगे, भाववाचक कृदंत प्रत्यय, लेकिन कब, जब वह शब्दों में जुड़े और शब्दों को भाववाचक संज्ञा में बदल दे, यहां शब्द भाववाचक संज्ञा में बदल जाते, इस वजह से इनको भाववाचक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण को समझो, जैसे उदाहरण है अन आपका ती, दो उदाहरण मैंने जो है दो प्रत्यय लिए हैं, पहला अन प्रत्यय है, इससे समझो, जैसे अगर मान लीजिए कोई आपका शब्द लिखा है, मूल शब्द लिखा है लेख, ठीक है, अब लेख का मतलब कुछ और हो रहा है, दिमाग में कुछ और जाएगा, लेख मतलब कुछ लिखा हुआ रखा हुआ है, ठीक है,
अब इसमें अन शब्द जोड़ गया तो यह हो गया लेखन। अब लेखन तो क्या हो गया, एक भाव है, लेखन एक भाव है, ठीक है। लिखा क्या हो गया, काम हो गया, लेखक लिखने वाला, लेखन एक भाव है, समझे। ऐसे दूसरा है पठन, मतलब पढ़ने वाला, कोई अगर कह दिया किसी ने मैं पठन पाठन में व्यस्त हूं तो आप समझ जाएंगे कि हाँ क्या कर रहा, भाव मिल गया। गमन, ठीक है, मनन, मिलन, ये सब आपके भाव को दर्शाते हैं, इस वजह से ये सभी भाववाचक कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं, समझ गए। यानी जिन शब्दों में जुड़े उन शब्दों से नए शब्द का जो निर्माण हुआ, वह शब्द आपका क्या होता है, वह शब्द आपका किसी भाव को दर्शाता है। और ऐसे जैसे भी शब्द मिलेंगे वह समस्त शब्द आपके भाववाचक कृदंत प्रत्यय के उदाहरण कहलाते हैं, समझ गए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, आगे बढ़ लेते हैं। अगला भैया कौन सा शब्द है, ध्यान दें, अगला जो इसका प्रकार बनता है वह अंतिम प्रकार पांचवा है। इसमें बहुत सारी चीजें मैंने और लिख रखी हैं, जो जो चीजें आ रही हैं, लिखावट, सजावट, मिलावट, ये सब तो अधिकतर पूछा गया है, और उन सारे उदाहरणों को मैंने एक साथ एक जगह सम्मिलित रूप से लिख दिया है। आगे बढ़ लेते हैं, पांचवा विभेद इसका पढ़ लो। पांचवा विभेद क्या बोल रहा आपसे, क्रियावाचक कृदंत प्रत्यय। क्रियावाचक तो हमने नहीं पढ़ा था भैया, अभी तक तो हमने करण को पढ़ा, लेकिन वह क्रिया का क्या था, साधन था। अब क्रियावाचक कृदंत प्रत्यय क्या होते हैं, क्या यथा नामे जथा गुणे वाली बात होगी, देखते हैं। देखिए भैया, ऐसे प्रत्यय से बने हुए शब्द जिनसे क्रिया के होने का पता चले, ऐसे प्रत्यय से बने हुए शब्द जिनसे क्रिया के होने का पता चले, वह क्रियावाचक कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। ध्यान दें, जय कौन कौन से उदाहरण है, यानी हमें ऐसे शब्द मिले हैं जिनसे क्रिया के होने का पता चले। पहला आपका है, एक प्रत्यय है आपका ता, इनसे शब्द बन गए डूबता, बहता, चलता। अब यह सब तो जाहिर सी बात है, चलता, अब चलता का मतलब क्या हो गया, क्रिया हो रही है, डूबता क्रिया हो रही, बहता क्रिया हो रही। तो ऐसे जहां पर भी आपको शब्द मिले कि ऐसे प्रत्यय उसमें लगे जिनसे हमें क्रिया के बारे में पता चले, तो वह प्रत्यय क्या होंगे, वह प्रत्यय आपके क्रियावाचक कृदंत प्रत्यय के भेद के अंतर्गत आएंगे। अब हम कृत जो है कर्तव्य प्रत्यय को बहुत डिटेल में पढ़ा, पांचों भेदों को हमने पढ़ा, उपभेद और भेद को पढ़ने के बाद अब हम दूसरे प्रत्यय की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रत्यय क्या होता है, तद्धित प्रत्यय। तद्धित का अर्थ क्या होता है, इस चीज पर दिमाग पर जोर डालिए, आसान सी चीजें हैं, बहुत आसान सी है। नाम बस आप पहली बार सुनते हो तो नाम से हम क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इसके नाम को हम लोगों ने बदनाम कर दिया है। दूसरा क्या है, तद्धित प्रत्यय। देखो भैया, तद्धित का अर्थ क्या होता है, ठीक है, जब चीजें अभी तक आपने कर्तरी में पढ़ा कि जब क्रिया धातु के साथ कोई प्रत्यय लगता है तो वह कर्तृवाचक प्रत्यय जो है उदाहरण होता है, समझे। अब यहां पर ध्यान दो, यहां पर क्रिया तो हमें नहीं मिलेगी, लेकिन वो किसी ना किसी शब्द के साथ लगेंगे, और ऐसे शब्द के साथ लगेंगे जो या तो संज्ञा है, या सर्वनाम है, या फिर आपका क्या है, विशेषण है। जब संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में प्रत्यय लगते हैं तो वह तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। पहली चीज क्रिया, दूसरे में क्रिया नहीं आई, समझ गए, इसी वजह से दो विभेद बना। भाई आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, जब वहां चीजें नहीं आई तो यहां हमें विभेद बनाने पड़े। जो भी वैयाकरण रहा, जिसने इस व्याकरण की रचना की, जब उसको जरूरत मिली कि ऐसा होना चाहिए, तभी तो चीजें वहां पर लिखी गई, समझ गए। तो यहां पर क्या है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में प्रत्यय लगते हैं तो वह तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, समझ गए। तद्धित प्रत्यय से मिलकर जो शब्द बनते वह शब्द तद्धितांत प्रत्यय शब्द कहलाते हैं। पूछा है तद्धितांत प्रत्यय शब्द क्या होते हैं, यानी ऐसे शब्द जिनमें तद्धित प्रत्यय से उस शब्द का निर्माण अस्पष्ट रूप से हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब उदाहरण की ओर बढ़ते हैं भैया। एक शब्द मैंने मूल उठाया चतुर, ठीक है। अब चतुर शब्द क्या है, चालाक चतुर तो जानते ही हो क्या है चीजें। दूसरा इसमें जुड़ गया आई, और दोनों से निर्माण हो गया चतुराई, तो चतुराई क्या है, विशेषण ही तो है, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं इसे, इसमें जो शब्द आपका परिवर्तित हो रहा यह शब्द क्या है, ठीक है। जैसे विशेषण पहला आपका चतुर दिया था मुख्य विशेषण शब्द में, ठीक है, उसमें आई प्रत्यय मिलाया गया चतुर, जिससे वह शब्द जो है
परिवर्तित हो गया, और परिवर्तित के बाद जिस नए शब्द का निर्माण हुआ, जिस नए शब्द की रचना हुई, वह तद्यत प्रत्यय का उदाहरण है। दूसरा जैसे है आपका, ठीक है, कुछ अन्य उदाहरण लिखे हैं जैसे पछताना, जगना, पंडित, चतुर, ठाकुर, इन सब में आई जोड़ दो तो आई जोड़ने के उपरांत क्या मिलेगा। ठीक है, यहां पर जो शब्द लिखे हैं वो क्या है, संज्ञा ही तो है, संज्ञा विशेषण में। जैसे पछताई, जगाई, पंडिताई, चतुराई, ये शब्द सब जो है नए शब्द बनेंगे, ये नए शब्द जितने होंगे ये सब तद्धितांत प्रत्यय के अंतर्गत उदाहरण होंगे। तो उदाहरण से मुझे लग रहा कि सारी चीजें आपकी जो है, जो अभी तक जिज्ञासा, जो चीजें पूछना चाह रहे थे, सारी चीजें समाप्त तो हो गई होंगी। तो अब विभेद की ओर बढ़ते हैं और विभेद को स्पष्ट रूप से यहां समझते हैं भैया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इनके विभेद पर चलते हैं कि तद्धित प्रत्यय के विभेद कितने हैं। ठीक है, बाकी जो चीजें पूछती है, ठीक है, इनके अन्य जो सवाल होते हैं, जहां से सवाल पूछा गया है, उन सभी को मैंने यहां लिख दिया, उनके सामने प्रत्यय लिखे हैं। ठीक है, बहुत आसान सी भाषा में आप सबको समझ सकते हो। अब इनके विभेद की ओर बढ़ते हैं भैया। तद्धित प्रत्यय के जो भेद होते हैं, वहां तो हमने पढ़ा था कि पांच होते हैं, यहां पर भैया आपको आठ पढ़ना होगा। तद्धित प्रत्यय के जो भेद हैं यह आठ होते हैं। पहला आपका कर्तरीवाचक, फिर से वही चीजें चलने लगी, कर्तरीवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक, ठीक है, संबंधवाचक, गणनावाचक, गुणवाचक, स्थानवाचक, सादृश्यवाचक, और एक आठवां जो होता है वह ऊनवाचक होता है। ठीक है, ऊनवाचक होता है, जो आठवां होता है। तो आठ भेद इसमें बनते हैं, किसमें, तद्धित प्रत्यय में, समझ गए। अब इन आठों में एक एक लेकर चलते हैं और इन आठों की जो है हम उदाहरणों सहित देखते हैं, सब कुछ आपका यही क्लियर हो जाएगा, इसके बाद कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो चलिए भैया, पहला आपका बोल रहा कि तद्धित वाचक जो है, कृतिवाचक जो है, कर्तरीवाचक तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं। यहां तद्धित, वहां पर कुछ और जुड़ा था, कृदंत जुड़ा था, ठीक है, यहां तद्धित प्रत्यय जुड़ा है, उसमें कृदंत जुड़ा होता था। अब कृतवाचक तद्धित प्रत्यय में जब भी आपके दिमाग में आएगा तो एक चीज दिमाग में जो है रखिएगा कि ऐसे शब्द, ठीक है, जिसमें क्या हो, जो किसी ऐसे प्रत्यय जो किसी शब्द में जुड़ने के बाद, किसी शब्द में जुड़ने के बाद क्या करे, इस तरह परिवर्तित कर दें, ठीक है, कि शब्द से कार्य करने वाले का बोध हो, शब्द से कार्य करने वाले का बोध हो, तो ऐसे कृतवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। वहां पर कृदंत था, उस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, देखो भैया उदाहरण देख लीजिए, जैसे आपका लिखा है सोना, लोहा, कह, चम, इन सभी में आर जोड़ दो, ये जितने मूल शब्द लिखे हैं सभी में आर जोड़ दो, तो आपको क्या पता चल जाएगा, किसी काम को करने वाले के बारे में पता चलेगा। जैसे आपका सोना लिखा है, ठीक है, धातु है, धातु का नाम है, तो किसमें है, सर्व जो है संज्ञा में आएगा। सोना में आर जोड़ा तो सुनार हो गया, लोहा में आर जोड़ा तो लुहार हो गया, ठीक है, कह में आर जोड़ा तो कहार हो गया, चम में आर जोड़ा तो चमार हो गया, यानी ऐसे शब्दों का निर्माण हुआ जिनसे किन्हीं के हमें कार्य करने का बोध होता है। और यह सब किससे हुआ, क्योंकि यह संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में जुड़ने से प्रत्ययों के नए शब्दों का निर्माण हुआ, इस वजह से यहां पर क्या हो रहा है, यहां पहला शब्द जरूर ध्यान रखना है, या तो संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण, क्रिया हुआ तो वह पहले में चला जाएगा, और पहले में जाएगा तो तद्धित प्रत्यय आएगा, ठीक है, वो कृदंत आएगा। दूसरी ओर बढ़ते हैं, दूसरा जो इसमें है, एक मैंने और लिया है कुछ शब्दों पर, जैसे लिखा है मजाक, रस, दुख, आढ़त, मुख, रसोई, इन सभी में या प्रत्यय लगा दो। ठीक है, पहले चीजें क्या थी, पहले चीजें आपकी संज्ञा को दर्शाई, ठीक है, सर्वनाम संज्ञा को दर्शा रही थी, इनमें जब जोड़ा गया या प्रत्यय तो सब कुछ बदल गया और किसी कार्य करने वाले व्यक्ति के बारे में पता चल गया, तो यह केस प्रत्यय का उदाहरण होगा, यह फिर से आपके कृतवाचक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण बनेगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आप लोग समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला दूसरा भाववाचक को समझ लीजिए। भाववाचक क्या है भैया, भाववाचक तद्धित प्रत्यय। अब फिर से चीजें दिमाग में जानी चाहिए कि ये शब्द, ऐसे शब्द जो किसमें लगे, ऐसे शब्द जो लग जाएं आपके संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में, और अर्थ के स्थान पर क्या दे दें, जो नया अर्थ दें वहां पर वो अर्थ भाव किसी का दर्शा दे, समझ जाओ क्या है, वो भाववाचक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। जैसे
उदाहरण आपको बताऊं मैं सीधा सीधा, ध्यान दो, उदाहरण मैंने कुछ शब्दों को, मूल शब्दों को लिया और मूल शब्दों में जोड़ा एक आपका प्रत्यय, जैसे भला बुरा कठिन चतुर ऊंचा, ये मूल शब्द थे। भला बुरा कठिन चतुर ऊंचा संज्ञा की परिभाषा दिमाग में बना लीजिए। इनमें जुड़ा शब्द क्या, इया। अब इया शब्द जब जुड़ा तो इनसे नए शब्दों का बच्चा निर्माण हो गया। शब्द कौन कौन से बने, भलाई बुराई कठिनाई चतुराई ऊंचाई। अब ये जो शब्द बने, भलाई एक भाव है, बुराई एक भाव है, कठिनाई एक भाव है, चतुराई एक भाव है, समझ गए। आगे बढ़ चलिए, दूसरा इसमें कुछ और मैंने मूल शब्दों को लिया, जैसे मूल शब्दों में है बच्चा, लड़क, छुट, काला, इन सभी में प्रत्यय जोड़ दिया पन, तो बचपन, लड़कपन, छुटपन, कालापन, समझ गए ना, पन पन शब्द जुड़ गया। यहां से हमें भाव का पता चलता, और जहां भाव का पता चलेगा वह भाववाचक तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आएंगे, समझ गए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है आप लोगों को, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कभी भी आपको प्रत्यय में कंफ्यूजन नहीं रहेगी। उपसर्ग को देख लीजिए, उपसर्ग में जितने वीडियोज में आपके व्याकरण से संबंधित पढ़ा रहा हूं इनको देखते चलो, जितने मैं आपको ग्राम विकास से संबंधित पढ़ा रहा हूं उनको देखते चलिए, कभी भी कंफ्यूजन आपको नहीं आने वाली है आगे कि सर जी यहां पर गलत हो गया। ठीक है, यहां ध्यान से पढ़ लो, एक बार ढंग से पढ़ लो भैया, कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसको हम मना स्थिति से करें और फिर भी कंफ्यूजन रह जाए। दूसरा इसमें समझ, तीसरा समझते हैं संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय क्या होते, ये तो उसमें नहीं आया था, ये कुछ नया है, पता चला नया। और इसमें सोचना क्या है कि जब प्रत्यय आपके ऐसे किसी जो है किसी के बीच में संबंध का पता चल जाए, जब जो है प्रत्ययों से ऐसे किसी के बीच में संबंध का पता चले तो वह संबंधवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कुछ उदाहरण को हम ले रहे और उदाहरण शुरुआत कर रहे कहां से, मैं कुछ शब्दों को ले रहा हूं, शब्द आपके कौन कौन से, लखनऊ, पंजाब, गुजरात, बंगाल, सिंध, सभी नाम है, स्थान के नाम है, संज्ञा है भैया, और सभी में ई प्रत्यय जोड़ दो, क्या बन गया, लखनवी, पंजाबी, गुजराती, बंगाली। अब ये सब क्या देने लगे, क्या ये प्रदर्शित करने लगे, संबंध दिखाने लगे। अगर बोल दिया गया ये गुजराती हैं तो गुजरात से संबंध रखने वाले, ये लखनवी हैं तो ये लखनऊ से संबंध रखने, यानी ऐसे जहां पर भी भाव मिलने लगे वहां समझ जाना कि ये संबंधवाचक जो है क्या है, तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है, समझ गए। बहुत बढ़िया से आगे बढ़ लेते भैया, अगला उदाहरण समझिए, चौथा आपका जो प्रकार है इसमें, चौथा प्रकार आपका बनता है गणनावाचक तद्धित प्रत्यय। गणनावाचक तद्धित प्रत्यय आखिर है क्या, इसको समझो, क्या यथा नामे जथा गुणे की परिभाषा को यह भी आपका सरोकार करेगा। देखो ऐसे प्रत्यय जो शब्द में लगने के बाद शब्द को संख्यावाची बना दे, मतलब वो शब्द अब किसी संख्या के बारे में बताने लगे, वो प्रत्यय आपके गणनावाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। कैसे, देखो यहां पर ध्यान दो भैया, स्पष्ट रूप से चीजें लिखी है, जैसे है आपका एक, दो, तीन, हरा, इनमें हरा सभी में प्रत्यय जुड़ गया, मूल शब्द एक थे, दो थे, ती थे, इनमें हरा जुड़ा तो क्या बन गया, एकहरा, दोहरा, तिहरा, यानी ये जब बनने लगे तो इनसे जो भाव मिलेगा, ये जो शब्द बने आपको मिल जो है नए बनेंगे, ये सब क्या है, ये सब शब्द आपके संख्यावाची हैं बच्चा। इस वजह से ऐसे प्रत्यय जहां पर भी मिलेंगे उनको हम संख्यावाचक तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत रखते हैं। पांचवा आपसे कुछ पूछ रहा, पांचवा भेद है भैया गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। गुणवाचक क्या, इसमें चीजें हमें गुण के तौर पर प्रत्यय ये बताएंगे। देखो परिभाषा, परिभाषा कह रहा कि ऐसे प्रत्यय जो शब्द में लगने के बाद शब्द को गुणवाचक बना दे, शब्द को ही गुणवाचक बना दे, ऐसे प्रत्ययों को क्या बोलते, ऐसे प्रत्यय आपके गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कुछ मूल शब्द आपके लिए मैंने, भूख, प्यास, ठंड, मीठ, ठीक है, ये सब आपके मूल प्रत्यय हैं, इसमें आपका जो मतलब मूल शब्द है इसमें प्रत्यय जुड़ा आपका आ, अब जब सभी में आ प्रत्यय जुड़ा तो क्या बन गया, भूखा, प्यासा, ठंडा, मीठा। अब ये जो शब्द बने, ये शब्द क्या दर्शा रहे, इन शब्दों में कुछ ना कुछ चीजें आपको ऐसी मिल रही कि गुणवाचक जो नाम दिया गया था गुण हमें पता चल रहा, भूखा है यानी इस व्यक्ति को भूख लगी, प्यासा है इस व्यक्ति को पानी चाहिए, ठंडा है मतलब कोई चीज ठंडी है, यानी उनका गुण है, उन चीजों का गुण दर्शाने लगे, ऐसे शब्द क्या होंगे, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय के उदाहरण होते हैं।
आगे बढ़े भैया, अगला एक इसमें और प्रकार देख लें। अगला प्रकार छठा है आपका स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, स्थानवाचक का मतलब क्या हो गया? स्थानवाचक मतलब जो किसी स्थान के बारे में बताते हैं। देखिए, ऐसे प्रत्यय जिनसे हमें किसी स्थान का बोध हो वह प्रत्यय स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते। उदाहरण को देखते चलो, जैसे मूल शब्द आपके सामने थे दिल्ली, बनारस, सूरत, चाय, इन सभी में वाला एक आपका प्रत्यय जोड़ दिया गया। ठीक है, तो एक शब्द आपका डेरे भी लिखा है सबसे पहला, तो इनमें जैसे ही वाला शब्द जुड़ेगा तो डेरे वाला, दिल्ली वाला, बनारस वाला, सूरत वाला, चाय वाला, ये शब्द नए शब्द बन गए। ठीक है, और नए शब्द जब बने तो डेरे वाला, दिल्ली वाला, ठीक है, डेरा मतलब डेरे वाला, दिल्ली वाला मतलब दिल्ली स्थान, मतलब किसी स्थान के द्योतक हो गए, ऐसे शब्द का निर्माण हो गया, तो वो शब्द आपके सब क्या होंगे? वो शब्द स्थानवाचक जो है तद्धित प्रत्यय के उदाहरण होंगे। जैसे पटना, मुंबई, नागपुर, जयपुरी, इनमें इया जोड़ दो तो पटनिया, मुंबईया, नागपुरिया, जयपुरिया, ये सब क्या हो गए? किसी स्थान को तो द्योतक है, मतलब स्थान को दर्शाने वाले हैं, इस वजह से ये सभी क्या है? ये सभी आपके स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय के उदाहरण है। सातवां इसमें देखते हैं, सातवां जो इसका जो है, ठीक है, अंतिम से पहला प्रकार है, क्या बोलना कि सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? सादृश्यवाचक, देखो भैया, यानी जिन प्रत्ययों को जोड़ने से जो नए शब्द की रचना हो, नए शब्दों से समानता का पता चले। सादृश्यता पढ़े होंगे ना कक्षा 10 में, मैथ में पढ़ा होगा सादृश्यता। यहां पर मतलब ऐसे प्रत्यय आपके जुड़ गए जिनसे शब्दों में समानता का पता चलने लगे, वह सादृश्यवाचक आपके क्या कहलाते? तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अब इनमें एक एक उदाहरण लेते हुए चलते हैं। ठीक है, जैसे आप, मैं बोल दू ना सिंपल सा कि ये तो उसके जैसा है, सा, सा जहां पर जुड़ा, जैसे पीला, नीला, काला, इन सब ये मूल शब्द थे, इसमें सा प्रत्यय जोड़ दिया, पीला सा चाहिए एकदम, मतलब एकदम पीले चाहिए, नीला सा, काला सा, अब ये सा जो लास्ट में जोड़ गया ना, सा का मतलब क्या हो गया? सादृश्य एकदम दिखा रहे। ऐसे आपका क्या है, जैसे सुन, ठीक है, रूप, ये दो मूल शब्द थे, इसमें हरा जोड़ दो, सुनहरा, रूपहरा, ये सब शब्द क्या दर्शा रहे? ये सब शब्द आपको दर्शा रहे कि एकदम उसके जैसा होना चाहिए, सादृश्यवाचक के उदाहरण है, समझ गए। अगला एक आठवां है ऊनवाचक। ये भैया ऊन क्या स्वेटर वाले ऊन है? नहीं, ठीक है, यहां ऊन का मतलब कुछ और है, कल मैंने भी आपको बताया था। ठीक है, उन मैंने आपको उपसर्ग के बारे में बताया था, उन उपसर्ग, यहां ऊन प्रत्यय उन अगर शब्दों के पहले जोड़ता था तो एक कम बताता था, ऊन है तो ऊन क्या दर्शाएगा? क्या ये भी ऐसी चीजें दिखाता है? ऐसे प्रत्यय जिनसे हमें किसी वस्तु, व्यक्ति आदि की लघुता, प्रियता, हीनता आदि का पता चले, वो ये प्रत्यय ऊनवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे भैया, पहला शब्द मूल है टोप, दूसरा है कोठर, तीसरा है टोकन, चौथा है ढोलक, मंडल, टोकरा, पहाड़, इन सभी में मैंने ई जोड़ दिया। ठीक है, तो टोप में जब ई जुड़ेगा तो क्या बनेगा? टोपी। कोठ में जुड़ेगा तो कोठरी। ठीक है, कोठर में ई जुड़ा तो कोठरी, ऐसे शब्दों का निर्माण हो जाएगा। और ये सभी शब्द क्या दिखाएंगे? ये सभी शब्द कुछ ना कुछ चीजों को दर्शा रहे। ठीक है, जैसे मैंने किन किन लघुता, प्रियता, हीनता, ठीक है, कुछ आपके क्या दर्शा रहे? प्रियता को दर्शा रहे, कुछ लघुता को दर्शा रहे, कोठरी है, ठीक है, तो लघुता, टोकनी है, ढोलकी है, मंडली है, टोकरी है, पहाड़ी है, घंटी है, ये सभी जो नए शब्द बन रहे हैं, ये नए शब्द किसी ना किसी के लघुता, प्रियता, हीनता आदि को दर्शाते हैं। तो ऐसे जहां पर मिले वह शब्द क्या होंगे? ऊनवाचक तद्धित प्रत्यय के उदाहरण होंगे। तो हमने लगभग आठों प्रकार को, इसको भी देख लिया, प्रत्यय में जितनी चीजें थी वह सब कुछ मैंने आपको सारी डिटेल के साथ बता दी है। ठीक है, इसके नोट्स में बहुत सारी चीजें जो मैंने आपको नहीं बताई है, ठीक है, मैंने लिख रखा है, मतलब उदाहरण मैंने समझा दिए, बहुत सारे उदाहरणों को मैंने और लिखा है जो आपके किसी ना किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पीडीएफ को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, उत्सर्ग वाली पीडीएफ भी मैंने दी है, ठीक है, उसमें भी बहुत डिटेल में सारी चीजें हैं, तो अच्छे से पढ़िए, बाकी यहां कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर होगा सारी चीजें। बाद में मैं हिंदी के एमसीक्यू भी करवाऊंगा फिर से, ठीक है, तो वहां से भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अभी पढ़ते रहो, वहां पर चीजें बताई जाएंगी तो और अच्छे से आएगा। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करो, मस्त होकर पढ़ो, सभी का भाई बहुत बहुत धन्यवाद।